आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं इस वक्त अरुणिमा सिंह के साथ हूँ। अरुणिमा, वो बिटिया हैं हमारे देश की जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। जी हाँ, अरुणिमा घड़ियाल पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। अरुणिमा ये काम 6 साल से कर रही है। अरुणिमा को बिल्कुल डर नहीं लगता। खतरनाक जानवर हैं उनके सामने, अरुणिमा जाती हैं और उनको पता नहीं कौन सा हिप्नोटाइज करते हैं कि वो घड़ियाल उनके बस में अपने आप आ जाते हैं। हम अरुणिमा से बात करेंगे, क्या है उनकी कला जिसके कारण वो इतने खतरनाक जानवर को अपने बस में कर लेती हैं। अरुणिमा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना खतरनाक काम ही क्यों चूज किया? एक्चुअली आई स्टार्टेड विद खतरनाक पकड़ना शुरू नहीं किया था, मैंने रिसर्च पर्पज से मैं गई थी। बट मैं जिस सेंटर पे काम करती हूँ वहाँ पे हमारे पास घड़ियाल्स, क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स के साथ ही हम काम करते हैं। तो समहाउ हमें कभी ना कभी ऐसा चांस आता है कि हमें हमारे कीपर्स पकड़ते थे। तो मेरा कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा था तो मैंने भी उनको बोला। सो दे ओनली टॉट मी हाउ टू हैंडल द क्रोकोडाइल्स एंड घरियाल्स। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हैंडलिंग। सो जैसे ही कुछ रेस्क्यू कॉल आता था देन मैं वहाँ पे विजिट करना शुरू किया एंड फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया एंड फिर पकड़ना सीखा और कैसे हैंडल करते हैं। सो दीज थिंग्स ऑल नो। अनुमा, आपने अभी बताया कि रिसर्च चल रहा था कुछ, क्या है उसकी स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपने ये इन सारी चीज़ों में एंटर किया? सो हमें आई एम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट आई वॉज सो मुझे साइंस का कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने को मिला था। देन आई हैव चूजन वाइल्ड लाइफ। सो हमारे सिटी में ही एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे क्रोकोडाइल्स और ये सारे एनिमल्स पे रिसर्च होता था। सो आई विजिटेड दैट प्लेस एंड उसके बाद वो एक विजिट और वहाँ पे हमारे एक मेंटोर मुझे मिले, डॉक्टर शैलिन सिंह एंड जो कि टर्टल सर्वाइवल अलायंस के हेड हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताई एंड आफ्टर दैट मेरा ऐसा था कि हर वीकेंड्स पे मैंने विजिट करना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड वॉलेंटियरिंग ओवर देयर एंड लकीली आई हैव रिटन सम प्रोजेक्ट्स फॉर दैट प्रोजेक्ट फॉर द कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ दीज घरियाल्स एंड टर्टल्स। सो मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्किंग ओवर देयर ओनली। अरुणिमा, आपने बताया कि 6 साल पहले आपने ये शुरू किया, तब आपकी उम्र क्या थी और घर वालों को डर लगा था? या व्हेन आई वाज इन बीएससी सो इट वाज 2011 आई वाज स्टार्टिंग माय एमएससी सो दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड दीज वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली मेरे फादर मेरे आइडियल हैं तो फर्स्ट उनको थोड़ा डर लगा तो ही स्टार्टेड विजिटिंग माई प्लेस एंड वो देखते थे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। माई ब्रदर वॉज वेरी स्केयर्ड, उसको बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं ये प्रोफेशन चूज करूँ और अभी भी बोलता है कि तुम बैंकिंग कर रहे होते या फिर कुछ ऐसी जगह पे थोड़ा जैसे नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं वैसे जाके बैठ के ढंग से कर रहे होते। लेकिन मेरा कभी एक बार मुझे वहाँ जाने के बाद आई कुड नॉट गो देयर। सो अदर जगह पर मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आया तो मेरा वही करना था और मेरे को वही इंटरेस्ट आता है। ये चैलेंज रहा होगा, बेटियों को लोग बहुत सेफ जोन में भेजना चाहते हैं, आपकी फैमिली भी चाहती होगी एक सेफ जोन में जॉब करें, पढ़ाई करें, फिर एक उम्र के बाद शादी होगी और सारी चीज़ें हैं। अब बड़ा अजीब सा हो गया होगा पूरे परिवार में कि अरुणिमा एकदम बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दी, घड़ियाल पकड़ रही हैं, तो घर वालों का रिएक्शन, रिलेटिव्स का रिएक्शन, खासतौर पर मदर का क्या रिएक्शन रहता है? माई मदर इज़ गुड, my father and mother is very supportive and but yeah relatives always उनका अलग ही reaction होता है कि अगर कोई officers होते या वो होते तो तुम्हारा ज़्यादा you are talented and all that, education अच्छा था तो तुम्हें ये नहीं choose करना चाहिए था, ये कौन सी life है animals के साथ में जा कर के वहाँ पर खड़े रहते ये वो, so they don't like I think, so I stopped going in अरुणिमा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आप कौन से शहर में रहती हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? जी मैं लखनऊ से हूँ और मेरा स्कूलिंग भी लखनऊ से ही हुआ एंड मेरा यूनिवर्सिटी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी रहा है एंड आगे का प्लानिंग यही है। एक्चुअली आई वॉन्ट टू डेवलप अ सेंटर बेसिकली, दैट्स
अभी बहुत बड़ा विजन है मेरा, बट आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व इन कॉन्जर्वेशन ऑफ टर्टल्स बेसिकली एंड क्रोकोडाइल्स ओनली, इन क्रोकोडाइल्स विच आर मोर थ्रेटेंड, जो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको मैं ब्रीड करा के उनको वर्ल्ड में फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जहाँ से वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं. दैट्स माई विजन बेसिकली. सो इन्हीं स्पीशीज़ को मैं बढ़ाना चाहती हूँ ताकि, और सेकेंड राउंड में मैं जाऊँगी तो मेरा एक्वेटिक में ही इंटरेस्ट है, तो वेटलैंड्स के कॉन्जर्वेशन के लिए मैं जाऊँगी दोबारा से, वेटलैंड कॉन्जर्वेशन पे काम करूँगी ताकि वेटलैंड्स को मैं बचा सकूँ जितने भी. तो मेरा वो दो मेन इंटरेस्ट है मेरी लाइफ के. तो ये अनुमा, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपके सपोर्टिव जो रहते हैं हमेशा, वो कौन लोग हैं? सबसे बड़े इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग हु ऑलवेज इनकरेज मी, क्योंकि मेन ये होता है बॉस उसी आदमी को भेजता है जो जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, विच इज़ बिग थिंग फॉर मी. वो मुझे एबल समझते हैं, तो आई वुड लाइक टू थैंक टू डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एंड आफ्टर दैट सुरेश पाल जी हैं, हमारे साथ आए हुए हैं बट ही इज़ नॉट हियर, बट वो उनके साथ ही मैं जाती थी और स्टार्टिंग में मैंने उनके साथ ही काम किया है, तो हमारा ही इज़ नॉट यंग एज, लेकिन थोड़ा उनका उम्र भी है, लेकिन हम दोनों का कंपेटिबिलिटी बैठ जाता है क्योंकि ही ऑल्सो लव एनिमल एंड आई ऑल्सो लव. एंड मेरी टीम में कुछ फिशरमैन्स कम्युनिटी है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में, मेरा रिवर्स पे भी काम है, मेरा PhD रिवर्स पे है, तो मैं फिशरमैन कम्युनिटी के साथ काफ़ी अटैच्ड हूँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ, बैठी रहती हूँ रिवर्स पे, देखती हूँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है बात करने का वो सारा. तो आई थिंक That's the reason I handle such things. अनुमा, अभी आप भोपाल आई, भोपाल में कुछ घड़ियाल अभी हमारे शहर में घुस रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ लोगों को मुश्किल जा रही थी उसको पकड़ने में, रेस्क्यू टीम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रही थी, आपको बुलाया गया, वो क्या कारण था? एक्चुअली ये लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे और शायद एक ये जो रीज़न है वो नहीं पकड़ पा रहे थे. देवर लाइक 90% उनका सारा काम हो रहा था, बट वो जो एक अंदर का डर था ना, वो घड़ियाल का मुंह पकड़ना और ये सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ है कि एक्सपीरियंस के साथ में, क्योंकि हम लोग के घड़ियाल्स में बहुत सारे घड़ियाल हैंडल करते हैं ये लोग, ये कीपर जो हैं, तो इनको आइडिया है कि कैसे पकड़ना है उसको, तो दे वर एबल टू डू दैट. तो इनका जो हैंडलिंग का वो है, वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था शायद, क्योंकि कॉरिडोर करके पूरा उनको बैरिकेड लगा के वो सारी चीज़ें तो कर पा रहे थे, लेकिन वो निकालने का वो जो एक अंदर पकड़ने वाला वो जो ढंग है ना, वो थोड़ा टेक्निकल है ऑफकोर्स, और इतनी जल्दी वो लोगों के अंदर डर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, शायद 3-4 बार वो लोग भी करेंगे तो दे कैन ईजिली डू दिस, सो इट्स नॉट बिग थिंग. अनुमा, आप देश की बिटिया हैं और हमारे देश में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, मगर एक डर होता है, एक घर वालों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसी बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको उसी चीज़ के वही काम करना चाहिए, एंड मे बी स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टीज आएँ, लेकिन जब वंस यू आर इन टू दैट, देन स्लोली एवरी वन विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. सो एक जो करेज है उसके साथ में और इंटरेस्ट जहाँ पे है उसी को करके आप, यू कैन डू एनीथिंग आई थिंक. अनुमा, वो बिटिया हैं जिन्होंने देश में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े जज्बा रखने वाले लोग नहीं कर पाते. ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े होकर ही देश की रक्षा कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं. अनुमा ने भी एक तरीका अपनाया कि वो वाइल्ड लाइफ में काम कर रही हैं, वो घड़ियाल पर काम कर रही हैं, और ऐसे खतरनाक जानवरों को कैसे बस में किया जा सकता है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि वो एक दिलेरी से कूद पड़ती है, वो उसके लिए टेक्निक भी अपनाती हैं, टेक्निक के साथ वो घड़ियालों को बस में करती हैं. अनुमा से हम एक चीज़ और पूछेंगे कि आगे वो एक सेंटर बनाना चाहती हैं जिसमें वो चाहती हैं कि घड़ियालों का जो अनुपात कम हुआ जा रहा है वो कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए उनकी प्लानिंग क्या है, कहाँ वो ये बनाना चाहेंगी, कौन सी सरकार उनको मदद करेगी या वो खुद से ये काम करेंगे?
सो अभी तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही काम कर रही हूँ, और उनका फॉरेस्ट का ही एक एरिया है जहाँ पे उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को छूने का, पकड़ने का आम आदमियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे वाइल्ड एनिमल ऑलरेडी ख़त्म होते जा रहे हैं. तो ऑफ़ कोर्स आई विल बी नीडेड बिग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जिसके लिए वन विभाग को गवर्नमेंट ने दिया है ये डिपार्टमेंट, तो मैं उन्हीं के साथ काम करूँगी. और अगर अदर स्टेट्स में भी काम करने का मौका मिलेगा तो आई विल डू दैट, बट फर्स्ट आई विल फोकस ऑन माई यूपी थिंग. यूपी में जो एक एक मॉडल की तरह एक जगह पे करके देन विल स्लोली मूव ऑन. आपने वहाँ की राज्य सरकार से बात की, वो आपके लिए कितना सपोर्ट करने को तैयार हैं? एक्चुअली वहाँ तक तो मैं राज्य सरकार तक तो नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वैसा सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस. एकदम से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मुझे ऐसे कुछ दे दिया और मैंने उसको कर दिया. तो एनी वे आई एम गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश वन विभाग. दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर हेल्पिंग मी. तो स्लोली वी विल वर्क टुगेदर एंड विल फाइंड समथिंग हाउ वी कैन सेव दीज वेटलैंड्स, एंड कैसे उनको रिस्टोर करें, कैसे एक्वेटिक एनिमल्स को और बढ़ाएं ताकि उनका नंबर ख़त्म ना हो. सो या शुक्रिया अरुणिमा. अरुणिमा ने हम दखल न्यूज़ से बात करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अरुणिमा को हम विशेष देंगे दखल न्यूज़ की ओर से कि वो जल्द ही ऐसा कुछ करें कि देश में बेटियों का नाम रोशन हो. कैमरामैन तरुण यादव के साथ शेफाली गुप्ता, दखल न्यूज़ भोपाल. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़.